तड़प होती है वो सब इसमें नजर आता है। तो ऐसा गाना गाने को मिला तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज के दौर में ऐसे गाने बहुत कम बनते हैं। तो ये इसमें ये गाना एक हटके और खिल के नजर आएगा। थैंक यू। थोड़ा पीछे। हाँ मिस सर, क्या कहेंगे आप आज आपकी फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्डिंग का? या आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो आप लोगों को तो पता है मैंने बहुत फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा और टाइटल ऐसा जिससे मुझे क्या हर एक किसी को लगाव है, और गाना जो आप लोगों ने सुना तो दिल को छूने वाला गाना है। बाकी और इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ। साधना सरगम जी का सॉन्ग और ऊपर से माँ, तो फिल्म के साथ सॉन्ग से कितना टाई है? पूरा समझ लो, बेसी ये हमारा जो टाइटल सॉन्ग है ना, बेसी माँ के ऊपर है। ये पूरी फिल्म में जगह जगह आता रहेगा, बजता रहेगा। जहाँ जहाँ कुछ इमोशनल सीन होंगे, कुछ ऐसे दर्द भरे लम्हे होंगे, वहाँ पर ये बार बार बजता रहेगा। ये समझ लीजिए हमारी फिल्म की जो रीढ़ है, उसकी हड्डी है ये गाना। फिल्म ये होती है माँ, जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो आपके सब्जेक्ट तो बहुत जानदार होते हैं, बट इसमें कास्ट किस तरह से ली है आपने सब्जेक्ट को देखते मैं हुए? कास्ट देखो, मेन तो जो भी है सबसे बड़ी कास्ट है हमारी कहानी। उसके बाद जो निशिगंधा वार्ड हैं वो उनको मैंने लिया। हम लोग काफ़ी 4-6 महीने तक भटकते रहे किसको लें, क्या करें क्या करें। लास्ट में हमारा जो टारगेट हुआ तो निशी जी के ऊपर गई कि भाई इन्हीं को हम लोग ले करके बनाएंगे, और वो उसमें सूट भी करती हैं। तो टाइटल रोल उन्हीं का है, बाकी सब नए पुराने सब आर्टिस्ट हमारे पास हैं। जिसकी जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से सबको लिया गया है। क्या वो आपकी जो पुरानी थिंकिंग रही है उसी तरह का सब्जेक्ट होगा ये भी? थिंकिंग कोई नई पुरानी नहीं होती है, जीने का अंदाज़ अलग होता है। कभी पतलून जो है बेल बॉटम आ जाता है, कभी टाइट मोरी आ जाती है। मतलब जीने का अंदाज़ वही होता है। माँ माँ होती है, वो चाहे गरीब की माँ हो, अमीर की माँ हो, झोपड़े में रहती हो, फीलिंग हर एक की वही होती है। तो जो फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है पूरी कहानी। कब तक शूट पे जा रही है फिर? बस अभी समझ लीजिए काम शुरू हो गया। हम लोगों को स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में 6-7 महीने लग गए, क्योंकि मेन क्या है, टारगेट वही था कि स्क्रिप्ट जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक कोई काम शुरू नहीं करेंगे। अब हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है तो काम की शुरुआत हो गई, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। बैक टू बैक दूसरी फिल्म है, इससे पहले भी आपने एक फिल्म बनाई है, वो कब रिलीज पे है? बस वो भी अभी इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टियां आएंगी, हम मेकिंग वो भी कंप्लीट हो गई, सेंसर में गई है। सेंसर से आते ही उसकी पब्लिसिटी वगैरह शुरू करके उसको एक सही टाइम दे करके जो है रिलीज़ कर देंगे। बाकी और इसके बाद एक कॉलेज लाइफ पे भी बना रहे हैं, जो पूरी तरह से वो हंसी मजाक मस्ती इमोशंस जो होते हैं ना, कॉमेडी वोमेडी पूरा जो बोलते हैं मसाला। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, हमारी फिल्मों में गंदगी और न्यूडिटी नहीं होती है, तो किसी भी फिल्म में नहीं होगी। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कॉलेज का हो, माँ का हो, या थ्रिलर हो, जो भी है, न्यूडिटी मेरी पिक्चरों में नहीं होती और आगे भी नहीं होगी। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम बताइए। जे एहसानी एज ए प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। किस तरह की फिल्म है जिसका आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग रहा, और क्या सोच ये के आपने प्रोड्यूस किया मूवी? करेक्ट करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आपने क्या सोच करके ये फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, फिल्म इंडस्ट्री को लोग आज पैसा बनाने की जगह बना चुके हैं। तो लोग कोई बनो कैसी फिल्में, कोई सोचता है उसमें कुछ दिखा दो, कोई कुछ दिखा दो। इन शॉर्ट के मैंने जो ये सब्जेक्ट उठाया है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा अपनी जो मेन परंपरा है, भारत की संस्कृति है, वहाँ से दूर हो रही है।
तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेक बैक के क्या होना चाहिए। हम एक तो पैसा हमारा एजेंडा उतना नहीं है जितना हमारी इंडस्ट्री है कि एक इंडस्ट्री को एक अच्छी चीज़ देने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें अगर आप बात करेंगे एज ए डायरेक्टर तो हामिद अली आई एम वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड, ताकि वो चीज़ों को समझते हैं। उनकी पुरानी फिल्में अगर आप देखोगे, मेहंदी, आ गले लग जा, पुलिस पब्लिक कानून, तो ऑल आर रॉकिंग मूवी। सो फॉर डैट यू विल हैव टू यू नो थिंक के एक नाजुक सब्जेक्ट अगर आप माँ उठा रहे हैं तो ऐसे में किस डायरेक्टर को आप करने जा रहे हो। तो उनका जो नज़रिया है, जो इमोशन को दिखाने का एक जो अलग से तरीका है, वो आज के लोगों में उतना नहीं हो पा रहा है। सो डैट आई थॉट के माँ जो बने तो एक ऐसी माँ बने कि इंडियन सिनेमा में लोगों को लगे कि कोई चीज़ आई है। सो एजेंडा यही है। और जैसा हामिद अली ने बोला कि हम लोगों ने 6 महीने स्क्रिप्ट पे काम किया, चूँकि लोग बोलते हैं आज के डेट में हीरो सब्जेक्ट ये कास्ट है वो कास्ट है, बट क्या है कि अगर एक अच्छी सब्जेक्ट है, अगर उसको आप अच्छे से पर्दे पे लेकर आ जाते हो, तो उससे बड़ा हीरो कोई नहीं होता जिसमें उनको काफ़ी महारत हासिल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से इंडियन सिनेमा को एक दूसरी रुख देने की हम लोग फुल तैयारी में हैं, ताकि एक अच्छी चीज़ जाए हमारे गांव के लोगों को, शहर के लोगों को। चूँकि जैसा उन्होंने कहा, इमोशन कभी फेल नहीं होता, अगर आप अच्छे से पर्दे पे इमोशन को ला देते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो जैसे आपने कहा कि अभी सब्जेक्ट को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हो कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, करेक्ट। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बट आज के टाइम पर आप किसको दोषी मानते हो, लिखने वाले को, डायरेक्टर को, या ऑडियंस को जो सब्जेक्ट देखती है, गलत भी और अच्छे भी दोनों? ज़्यादातर ऑडियंस उल्टे सब्जेक्ट ही पास करती है। नहीं नहीं, सब्जेक्ट का जहाँ तक मेरा मानना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, इट मोस्ट सो इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उसको प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। और ये जो माँ सब्जेक्ट है, इफ़ यू थिंक अबाउट माँ, तो पूरे वर्ल्ड में ये सब्जेक्ट अपने आप में आप सोच नहीं सकते कि सब्जेक्ट होगा। थोड़ा अगर एक कलम बयान करने पे माँ की जो सिफत है, जो माँ एक क्या होती है, रोशनाई कम पड़ जाएगी। तो हम लोगों ने एक कोशिश की है कि एक्चुअल माँ होती क्या है, उसके फीलिंग्स क्या होती है, तो उसको पर्दे पर लाने की कोशिश की है। और सब्जेक्ट अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसका प्रेजेंटेशन डायलॉग अच्छे हों तो कोई इशू नहीं। आज साधना सरगम जी का सॉन्ग रिकॉर्डिंग था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? साधना जी का जो रिकॉर्डिंग था, तो जब फर्स्ट टाइम हम लोगों का आया कि ये सॉन्ग किससे करवाया जाए, टाइटल सॉन्ग है इस फिल्म में, कि जैसा उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी है, तो शी इज़ वन ऑफ द ओल्ड यू नो वेरी मैच्योर सिंगर, जो कि हर जगह फीलिंग की ज़रूरत होती है। तो वी डिसाइडेड कि दिस सॉन्ग विल बी सैंग बाई साधना सरगम ऑनली। थैंक यू। अब तो ऑलरेडी मेरे को ज़रूरत नहीं है बोलने की, आप खुद ही इतना बोलते हो, बता दो क्या था आज? मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोलता है। असली बात यह है, तो आज के इस प्रोग्राम में, ये होती है माँ के प्रोग्राम में, आप सब लोग आए तो आप लोगों का बहुत आभारी हो। और उम्मीद है गाना जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कई गुना अच्छा परफॉर्म किया है साधना सरगम जी ने। में लोग काम नहीं करते थे, मैंने शुरू में इस गाने का एक कुछ अलग टाइप का किया था, तो हमारे हमीद भाई, बड़े भाई साहब डायरेक्टर जो है फिल्म में, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आए। बाद में उन्होंने जब इसको हमने अच्छा इंडियनाइज किया, हिंदुस्तानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक वगैरह यूज़ किए, तब जाके एक असली माँ का रूप सामने आ गया। एक्चुअली तो माँ जो है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के दिलों में बसा हुआ है, हम सब के दिलों में भी है। और उन्हीं माँ के ऊपर ये जो सब्जेक्ट हमें पहले फिल्म बना रहे हैं, मुझे तो डिटेल्स में स्टोरी इतना नहीं पता, लेकिन गाने से ही मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया कि पिक्चर एक्चुअली है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे और गाने को भी सुनेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम आप सबको बुलाएँगे वहाँ पर गाना सुनने के लिए, कुछ टेक्निकल काम चल रहा है। बाकी थैंक यू ऑल वंस अगेन। लास्ट जी, क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 80 के दशक के गाने जो है वो लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया, हाँ। लेकिन अभी पीछे एक ब्योमकेश बख्शी करके फिल्म आई थी, और अभी उसके बाद बॉम्बे वेलवेट आई, और अभी रईस में भी 80 के दशक के गाने दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, और अभी रईस के बारे में सुनते हैं गाने हिट हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, हिट और फ्लॉप जो होता है वो हम तय नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस। हम जो है, हमारे जो ट्रेंड है, हमारे जो ओरिजिनल म्यूज़िक का ट्रेंड है,
मैं उम्मीद करता हूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब पकड़ के जो भी चलेंगे वो ज़रूर सक्सेस होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी कौन सा फिल्म फ्लॉप हुआ या हिट हुआ उससे हम कुछ नहीं कर सकते, वो डिपेंड्स अपन ऑडियंस इटसेल्फ, वो कौन सी चीज़ कैसे रिस्पॉन्स देते हैं क्या लेते हैं उनके ऊपर है। थैंक यू थैंक यू।